और बहुत जी थोड़ी सी दिशाहीन गेंद और थोड़ी सी पवन के लिए इस बार बाहर निकलती हुई जी एक और वाइड तो थोड़े नट हो गए हैं और इस बार विकेट कीपर से थोड़ी सी मिसफील्ड हो गई, बॉल को गेदर नहीं कर पाए, बाहर निकल गए। वाइड बॉल भी करा तो दो रन यहां पे सामना करने के लिए तैयार होंगे। बहुत अच्छी गेंद, निश्चित तौर पे करने की जरूरत है। दुर्गेश फिर से तैयार होंगे, बहुत अच्छी गेंद, फिर से बाहर निकल बल्लेबाजी कर रहे हैं दुर्गेश, सामने तैयार होंगे। इस बार बहुत अच्छी गेंद, बाउंसर गेंद थी और निश्चित इस बार बहुत अच्छी गेंद जी कर रहे फिर से दुर्गेश के लिए गेंद और निश्चित तौर पे टप्पा खाने के बाद कांटा जी हाँ ऐसा लग रहा है बाहर से बहुत अच्छी गेंद और तैयार होंगे पवन के लिए। बहुत ही सुंदर स्टॉप यहाँ पे अपने आप को पीछे ले गए और कर लग बाउंड्री के बाहर जी अंदर बनाता हुआ बेहतरीन वन आज पवन जी हाँ इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अपने इरादे स्पष्ट करते हुए जिंदगी की गेंद थी वहां पर जोरदार अपील हो रही है जी हाँ लेकिन पवन के लिए इस बार नीचे रहती हुई गेंद वहां पर थोड़ी सी मिस टाइम अब बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जी हाँ आंखों आंखों में इशारा और एक और रन लेना चाहते हैं वहां पे मना किया पवन ने और बिल्कुल सही बहुत अच्छी गेंद वहां पे अपील हो रही ऐसा लग रहा है वाइट बॉल जी हाँ इस बार फिर से छोड़ दिया 11 रन ही तो दोस्तों अब हम मेमोरियल रितेश दुर्गेश के लिए इस बार निश्चित तौर पे लेग स्टंप के बाहर आ जी हाँ अपने दोनों हाथों को फैलाकर रवि कुमार ने जी हाँ एक और वाइड बॉल यहाँ पे दिशाहीन गेंदबाजी और निश्चित तौर पे उनके कप्तान करने की जरूरत है इस बार उछलती हुई गेंद और निश्चित तौर पे वाइड की वजह से झड़ी सी लग गई है और एक की और फिर से वाइड बॉल करार दिया तो 15 रन हो चला है इस बार फिर से वाइड बॉल करार जी हाँ राउंड द विकेट आने के बाद यहाँ पे बहुत शानदार प्रयास लेकिन सामने पवन इस बार जी हाँ व्हाइट बॉल करा रहे और एक और व्हाइट बढ़ाने के लिए और महत्वपूर्ण होती है तो बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करने की जरूरत बहुत अच्छी गेंद इसी तरह T20 क्रिकेट में बहुत ही वाइटल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार बहुत ही शानदार तरीके की योगा और टीम बदल गया लेकिन योग्यता की कमी नहीं है बहुत बढ़िया अच्छी टीम ही होगी अच्छी गेंद थी तो जीतने में आसानी होगी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम इस तरह से और मुझे एक मौका मिला उन्होंने बुलाया और मैं सागर को कैसे ठुकरा सकता था रितेश फिर से इस बार 2020 नहीं रहा है अब 2020 क्रिकेट में तो और लंगर सिंह महाविद्यालय का तो ग्राउंड हमेशा से ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टीम उस स्कोर को रोकने में सक्षम उनके परफॉर्मेंस के वाइज से मैं पहचानता हूँ जानता हूँ जैसे विकेट कीपर हैं आशीष
सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक की टीम की बात कर रहा था, तो काफी अच्छी गेंदबाजी इनके पास मौजूद है और अच्छा क्षेत्ररक्षण भी वे करते आ रहे हैं और बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। पवन डीएवी टीचर्स की टीम पहुंच चुकी है फाइनल मुकाबले में, कल का दिन रखा गया है और जिला क्रिकेट लीग जिला क्रिकेट के तत्वाधान में यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में? मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ जिसने यह टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज, एक लाइन पकड़ कर गेंदबाजी करते हुए इस बार बहुत ही शानदार तरीके से करती है और दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया। इसी तरफ की जरूरत है एक एक इस बार। जी यदि सही गेंदबाजी निश्चित तौर से वाइट करा दी जाएगी। जी हाँ, एक और एक इस बार बहुत ही शानदार तरीके से स्क्वायर कट किया है वहां पे, जब तक बॉल को फील्ड की जाती दौड़ कर एक और रन पूरा कर लिया। और साथ ही साथ ट्रेजर श्री नीरज कुमार का क्या दुर्गेश के लिए पटकी हुई जिलेबी की जरूरत है। बहुत अच्छी गेंदबाजी तक अभय मेमोरियल कॉर्पोरेट लीग का। इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से बैकफुट पर ले जाकर फील्ड की स्टाइल में वहां पे स्टाइल की दिशा में खेला जाता है, बॉल को फील्ड की जाता। राहुल ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस बार रक्षण और गेंदबाजी करने की जरूरत है स्टेट बैंक के दृष्टिकोण से देखे तो। और इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से स्टीयर किए हैं फायदा यहां पे उठाते हुए रन जिस तरह से दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण अगर देखा जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दृष्टिकोण से तो। बहुत ही सुंदर तरीके से बैकफुट पर जाके बॉल को वहीं खेला जाना है। अभिषेक को गेंदबाजी करने के लिए लाया गया है, खराब वहां पे गेंद मिलेगा। इस बार बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर खेलने की जरूरत है। अभिषेक इस गेंद को बहुत ही सुंदर तरीके की व्यवस्था की थी खीरोज पे। और मैच के बाद यूट्यूब पे प्रसारण भी देख सकते हैं आप, तो निश्चित तौर पे वहां पे खराब क्षेत्ररक्षण के बाद सातवीं ओवर अभिषेक पवेलियन छोर से बहुत ही सुंदर तरीके से बैटपुट पर जाकर यहाँ इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से स्टीयर किया है स्क्वाड लेके दिशा में, जब तक बॉल को फील्ड की इंडिविजुअल स्कोर्स को बढ़ाने की जरूरत है, एक अच्छे सम्मानजनक टोटल तक एक एक रन वाइटल है उसे लेने की जरूरत है। इस बार कट करना चाहते थे के लिए जैसा कि मैंने कहा मैच की प्ले डाउन करा दिया है वहां पे और बिल्कुल समझ नहीं पाए नीचे रहती हुई गेंद को स्टीयर करना चाहते थे और दुर्गेश के रूप में ये दूसरा झटका बहुत बड़ा सुंदर तरीके से राजीव ने दो विकेटों के नुकसान के बाद आठवीं ओवर प्रगति पे है और जोरदार अपील की जा रही है वहां पे। जी हां, अंपायर ने नकारा और अंपायरिंग की तो क्या तारीफ। रंजीत ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पे कवर्स की दिशा में खेला, जब तक बॉल को फील्ड की जाती तैर कर दो रन पूरा कर लिया, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हर रन नीति इसी तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत है। इस बार शेखपुर जिले की गेंद थी, कट करना चाहते थे वो एक अलग पॉजिटिव अप्रोच के साथ। फिर से अभिषेक राजीव के लिए यहां पे जी सीधे विकेटों के बीच में पकड़े गए हैं
राजीव के रूप में ये बहुत अभिषेक पहली बॉल का सामना करने के लिए तैयार विकास जोरदार शानदार गेंदबाजी अभिषेक की जितनी तारीफ की जाए कम होगी इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से स्टीयर किया है यहाँ पे गली की दिशा में जब तक थर्ड विकेट के खिलाड़ी बॉल को फील्ड करेंगे दौड़कर एक रन पूरा कर लिया और ये दूसरा रन भी ग्राउंड के बीचों बीच दे देंगे दोस्तों मैं बता दूं कि लंगट सिंह महाविद्यालय जी हाँ के तत्वाधान के ग्राउंड में खेला जा रहा है ये कॉर्पोरेट लीग जी हाँ अभय मेमोरियल उस बैंकर्स की याद में जो सेंट्रल बैंक में कार्यरत थे मैं बता दूं कि लंगट सिंह महाविद्यालय में सयो अगर कोई भी टूर्नामेंट या इवेंट हो पाता है तो तारीफ करनी होगी उनके प्रिंसिपल की जी हाँ बहुत ही शानदार मुकाबला खेला जा रहा है इस बार माही ने बहुत ही सुंदर तरीके से कलाइयों के सारे से जोरदार अपील की जा रही है 64 रन इस बार फिर से अपील की जा रही है लेकिन और जी हाँ यहाँ पे आउट करार दिया है बिल्कुल विकेटों के बीच में पकड़े गए हैं बहुत अच्छे गेंदबाजी यहाँ पे रन लेना चाहते थे मना किया और अंडा कर दिया है और बहुत शानदार गेंदबाजी इस बार राजेश की इस गेंद को बहुत ही सुंदर तरीके से कलाइयों के सहारे से शॉर्ट मिड की तरफ खेला जब तक बॉल को कॉर्पोरेट लीग दूसरा सेमीफाइनल का जी नो बॉल करा दिया है यहाँ पे चप्पे की निगाहें दोनों ही हमारे अंपायर फ्री हिट ये वाला इधर बहुत ही सुंदर तरीके से जी लगन के ऊपर से लगन के ऊपर से यहाँ पे चार रनों के लिए इस बार इस गेंद को बहुत ही सुंदर तरीके से आगे निकल कर खेलना चाहते थे बॉल बैट का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ गई अच्छी फील्डिंग वहां पे जब तक बॉल को फील्ड की जाती दोनों ही बल्ले 71 रन चार विकेटों के नुकसान के बाद 12वीं ओवर प्रगति पे है रंजीत की इस गेंद को बहुत ही सुंदर तरीके से खेला है थर्ड मैन की तरफ बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ जब तक बॉल को फील्ड की जाती सुंदर कल फाइनल का मुकाबला 10 बजे से खेला जाएगा जहां पे डीएवी टीचर्स की टीम पहले ही पहुंच चुकी है बहुत अच्छी यहां पे गेंदबाजी इस बार शॉट पे जिलेबी की गेंद थी विद्यालय के बहुत अच्छी यहां पे बहुत ही सुंदर तरीके से कॉपी बुक स्टाइल में बिल्कुल बैट को आगे करने की जरूरत है जोरदार अपील की जा रही है यहां पे इसका रीमेक प्रसारण आप देख सकते हैं और यॉर्कर डिलीवरी की गेंद बहुत ही सुंदर खेला है इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से वही खेला और फील्डर ने जब तक बॉल को फील्ड क्या सुंदर दृश्य लग रहा है जब की जरूरत है यहाँ पे चले गेंदबाज यहाँ पे यॉर्कर लगे यहाँ पे रन आउट का चांस और आउट होते हुए यहाँ पे कप्तान प्रेम बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लगता हुआ एसबीआई की टीम को चौथा विकेट गिर चुका है यहाँ पे गिनती स्टार्ट हो गई है आलोक बिल्कुल अभय भैया सही कहा आपने अगर आपकी दृष्टिकोण से कहा जाए देखा जाए जैसी गुप्तगू आपके साथ हमारी चल रही है जोरदार अपील बहुत शानदार गेंदबाजी यहां पे इस बार वाइड बॉल और ये वाइड बॉल इसलिए क्योंकि 9वीं ओवर प्रगति पे है इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से सुरक्षित बल्लेबाजी की है और इस बार जी पे है इस बार बॉल वहीं पे दबा दिया है ट्रॉली तैयार रखेंगे इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से खेलने की कोशिश की वहां पे नो मैन्स लैंड में बॉल गिर गई जब तक दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया है बल्लेबाज राहुल और अभय जोरदार अपील की जा रही है लेकिन और दोस्तों मैं आपको बता दूं उनकी याद को
इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पे खेला मिस्टर लोअर्स ने खामिया जाए दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन लेना चाहते थे पूरा कर लिया, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हर रन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम के अजिया यहाँ पे कट रही है राहुल को सोचना पड़ेगा, पांचवा विकेट का भारतीय स्टेट बैंक की टीम को एक बहुत बड़ा झटका। रंजन को टिककर खेलने की जरूरत है, उनका साथ निभाने की जरूरत है। इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर खेल है चार रनों के लिए, बहुत ही सुंदर यहां पे और ऐसा लगता है जब में क्रैम्प आ गया है स्टेट बैंक की टीम को। जोरदार अपील राजीव यूनिवर्सिटी इन से, बेहतरीन गेंदबाजी टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई फिर से। इस बार बहुत ही शानदार नवीन के द्वारा गेदर किया गया लेकिन गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो सेंट्रल बैंक के बॉलर हैं उनकी बॉलिंग में काफी इज्जत से नाम ली जाती है, जिस तरह से मिडिल ऑर्डर 35 रन उन लोगों ने एक्स्ट्रा में जरूर दिया है, उसी हिसाब से सेंट्रल बैंक काफी संभाल के बॉलिंग कर रही है। फिर भी एक्स्ट्रा बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा, और इस रन के सहायते से 75 पे पहुंच गई है। भारत का रहना स्टेट बैंक के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। इस बार बहुत ही शानदार तरीके से खेला है वहां पे स्टेट की तरफ से, वहां पे खिलाड़ी मौजूद जी हाँ, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे और जब तक बैट फील्ड करते दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया है, रनों पे पहुंच गया है पांच विकेटों के नुकसान के बाद। प्रिय रंजन ने बहुत ही सुंदर तरीके से, जी हाँ सन्नी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसमें इस समय इसकी ही जरूरत है। आप हमेशा से शुरू से देखिए कि 6 रन से औसत हमेशा नीचे ही रहा है जीतने के लिए जो रिक्वायर्ड रन होनी चाहिए, और उस हिसाब से ये इसी क्षण जो हम बात कर रहे थे प्रिय रंजन LBW आउट हो गए, तो ये एक बहुत मध्यम गति के तेज गेंदबाज रोमांच बना रहता है। 2020 क्रिकेट इसी का दूसरा नाम है, यहाँ पे रन लेना चाहते तो खतरा हो सकता है लेकिन आप जाकर लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे हवा में गेंद थी, सांसें रुक गई थी भारतीय स्टेट बैंक की टीम की, लेकिन इसी तौर पर दुर्गेश की इस गेंद को बहुत ही सुंदर तरीके से कलाइयों के सारे से खेला, वहां पे पैरों से बॉल को वहीं पे दबा दिया और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे एक रन। उदय शंकर शर्मा हमारे सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अमरेंद्र कुमार बबलू, दोनों ही ने के सहयोग भारतीय क्लब के जो खिलाड़ी है उन लोगों ने जिस तरह से सजाने में इसको मदद किया है, इन्होंने टूर्नामेंट को में चार चांद लगा दिया है और मैं निश्चित रूप से जो आयोजक है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह का आयोजन। रन किसी भी तरह से है भारतीय स्टेट बैंक की टीम के लिए महत्वपूर्ण, स्टेट बैंक की टीम को इस बार जी हां दिशाहीन, और इस बार बहुत अच्छी ऑल आउट करना ही पड़ेगा इसमें कोई शक नहीं। यूनिवर्सिटी से इस बार उठाकर खेला है माता है वहां पे खिलाड़ी ऊंचे अनिश्चित तौर पर जिया, ऐसा लग रहा है खराब वहां पे क्षेत्ररक्षण चंदन के लिए और रन लेना चाहते थे वहां पे चूके जिया मना किया तो निश्चित तौर पे हो जाता है, और इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से स्टीयर किया है पॉइंट की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है बहुत तकलीफ में नजर आ रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज। एक बार कप्तान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टीम से यूनिवर्सिटी इन से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए आगे निकलकर बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे मिडल की तरफ खेला मिस फील्डिंग वहां पे जाकर एक रन पूरा कर लिया और निश्चित तौर पर दो रन नहीं ले पाई फिर से तैयार। इस बार इस गेंद को बहुत ही चतुराई के साथ अपील हो रही है लेकिन बॉल पे अब 41 रनों की जरूरत है, 42 गेंदे 41 रन गहमा गहमी का माहौल, शानदार मुकाबला ऐसे ही
क्रिकेट का भगवान ग्राउंड नहीं कहा जाता है। इसी बीच मनीष जो कप्तान है हमारे, उन्होंने इस रिस्क को लिया है कि अपने जो चार मेन बॉलर हैं उनको छठे बॉलर का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर ये विकेट नहीं ले पाते हैं तो। और इस तरह बीच बहुत ही शानदार शॉट जो कि मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक की टीम के दिल पे काफी जोर से लगा होगा ये शॉट। ये जो रिक्वायरमेंट के बाद चौथे भी हमें प्रगति पे है जावेद, और इस बार जी हाँ एक सौ तीस पैंतीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जावेद, शानदार गेंदबाजी। और जमना और निकलना तो अब भैया चलता रहता है, मैटर ही है कि टीम कौन सी निकलेगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी। मैं जोरदार अपील की जा रही है सारे खिलाड़ियों के, 91 रन 7 विकेट के नुकसान पे। दुर्गेश सिलेबरी की गेंद थी, यहाँ पे मिड विकेट की तरफ बॉल जा रही है, जब तक बॉल को फील्ड किया जाता है दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया। इसे इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से स्टीयर किया है बर्दानी की तरफ से, बहुत बड़े थर्ड मैन के खिलाड़ी इसके पीछे दौड़ रहे हैं, जब तक बॉल को फील्ड करेंगे अच्छे क्षेत्र रक्षण और दौड़ कर दो रन पूरा कर लिया। इस दो रन की सहायता से स्कोर अब बढ़ गया है 94 रनों पे 33 गेंदों पे 32 रन 34 गेंद। यहाँ पर एक बड़ा झटका सीधे हाथों में थमा देते दुर्गेश को मिली सफल, जब तक खिलाड़ी उसके पीछे बचाने की कोशिश करेंगे ऐसा लग रहा है। जी हाँ बहुत ही सुंदर क्षेत्र रक्षण वहां पे, निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए दो रन बचाए हैं। अभी ओवर लेकर दुर्गेश इस बार लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, जी हाँ बॉल विकेट टू विकेट कीपर नवीन से मिस होती हुई, बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर और बहुत अच्छी क्षेत्र रक्षण यहाँ पे। इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से स्वीप के अंदाज में मिड विकेट की तरफ खेला, जब तक बॉल को फील्ड की जाती दौड़ कर एक और रन पूरा कर लिया। इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से जी हां बैट से खेला गया था वहां होगी, बहुत ही सुंदर तरीके से वहीं पे बॉल को दबाया है। और इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से थर्ड मैन की तरफ स्टीयर किया है, दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया, दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन मना किया गया। यहाँ पे पहुंच गई है अब निश्चित तौर पे 4 रन पूरे हो गए हैं, अब यहां से 27 रनों की जरूरत। गहमा गहमी का रोमांचक मुकाबला, आगे निकलकर इस पर खेलना चाहते थे और बहुत बड़ा झटका, जी हां बहुत बड़ा झटका और 9 विकेट का पतन, 9 सबसे रोक देने वाला मुकाबला। जी हां और मैं तो अभी बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यहां पे तारीफ करनी होगी, रन लेना चाहते थे चूके, 25 गेंदों पे 27 रनों की जरूरत, बॉल को वही दबा दिया है और बिल्कुल सही नहीं। अब है मेमोरियल टूर्नामेंट का ये मुकाबला शानदार मैच। जी हां अजीत के लिए ये बहुत ही जोरदार हिट लगाना, शानदार गेंदबाज कप्तान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के यूनिवर्सिटी इंड से, फिर से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नवीन, फिर से मनीष इसे जोरदार हिट लगाना चाहते थे, अपील हो रही है वहां पे, आउट करार दिया है वहां पे। और जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टीम से भारतीय स्टेट बैंक की टीम को फाइनल में पहुंच गई है दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टीम के कप्तान मनीष वहीं से चाहूंगा कि हमारे बीच में आ जाए कप्तान मनीष, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कप्तान मनीष हमारे बीच में आ जाए, स्वागत करता हूँ और आपकी टीम आज जीत गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम जैसे बैंकर के लिए इस तरह का जो है और आयोजन के साथ साथ हम बैंकर को एक साथ
एक साथ इकट्ठे होने का एक मौका मिलता है, बहुत कम टाइम होता है जो हम लोग इकट्ठे इतने सारे बैंकर होते हैं। और ये जो कि टूर्नामेंट हमारे काफी प्रिय थे अभय भैया, उनकी याद में खेला जा रहा है, और हमारे कलीग थे वो काफी अच्छे विकेट कीपर थे, उनकी याद में खेला जा रहा है। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है टूर्नामेंट, हम चाहेंगे कि इसको जीत लिया जाए और हम अपने पूरे सेंट्रल बैंक की टीम की तरफ से उनको समर्पित करें। बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरी मुंह की बात छीन ली, और अभय भैया आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपकी जर्सी के पीछे जो उनका नाम लिखा है ऐसा लग रहा है हमारे दिलों में जिंदा है। एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे मैं मनीष, जब 126 रन का लक्ष्य रखा था आपकी टीम ने, आज बल्लेबाजी कुछ खास नहीं हुई, तो फाइनल में आपकी टीम पहुंच गई है, कल की टीम बदली हुई नजर आएगी, वही टीम खेलेगी, और कल फाइनल के लिए क्या तैयारियां की करेंगे आप? एक दो चेंजेज हो सकते हैं, उम्मीद है कि हमारे जो स्टाफ है वो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए थे और दूसरी जगह उनका पोस्टिंग है, कल उम्मीद है कि हमारे इससे ज्यादा अच्छी टीम मिलेगी आपको देखने को, और काफी अच्छा मुकाबला आप लोगों को, जो भी दर्शक यहाँ आएंगे वो काफी एंटरटेनमेंट करेंगे। मनीष बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी सेलिब्रेशन को रोकूंगा नहीं क्योंकि आपका खेमा आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सन्नी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, नीरज भैया के द्वारा उन्हें पुरस्कार दिए जा रहे हैं, कई में मजबूत चाहिए दोस्तों, शानदार 19 रन और 3 विकेट इन्होंने हासिल की है, बहुत बहुत उनका बचनी चाहिए, बेहतरीन क्रिकेट का मुजहरा किया, टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है। मैन ऑफ द मैच भी है, सोने पे सुहागा हो गए हैं आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? दोनों टीम बहुत अच्छी खेली है और इस मैच में हम लोगों का मान सम्मान और अभिमान था और हमने जीता, बहुत खुशी है। जी हाँ, और जावेद सही बात है कि जिसकी याद में टूर्नामेंट खेला जा रहा है, अभय भैया आपकी जर्सी पे उनका नाम लिखा है, जब इस तरह की टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं और उनके नाम के साथ जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है उनको जिंदा रखने की जो कोशिश चल रही है, अपने दिलों में जिंदा रखने की जो कोशिश चल रही है, कैसा अनुभव लगता है, कैसा लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभय भाई बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और बहुत बेहतरीन, बहुत नेक, हसमुख, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, और मेरे बारे में इस बारे में राहुल भैया ज्यादा फाइनल में प्रवेश कर गए हैं, एक और ट्रॉफी के एक कदम और आगे आ गए हैं, और अब एक कदम दूर है, क्या कहना चाहेंगे ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि कल यह मुकाबला है, सामने सशक्त टीम है, क्या कुछ तैयारियों के साथ कल का मुकाबला होगा? हमारी टीम अच्छी प्लानिंग कर रही है, कैप्टनशिप भी अच्छी है, कोच अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, सारी टीम बहुत अच्छा कर रही है, और एक टीम भावना से खेलेंगे, जीत किसी की भी हो लेकिन हम एक टीम भावना से खेलेंगे। मुबारकबाद जावेद आपको, तो ये जावेद दोस्तों सेंट्रल में कप इंडिया के शानदार 19 रन और 3 विकेट, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगा भैया आप अगर अभय भैया के बारे में कहना चाहते थे, आपसे समापन करना चाहूंगा, अगर कहना चाहते हैं तो दस सेकंड में कहिए, बताइए उनके बारे में। अभय आज इस फील्ड में बिल्कुल हम सबके बीच खड़ा था, जो मेरे टीम के जितने भी प्लेयर्स आज मैदान में थे सभी के अंदर आज अभय खेला है, और आज जो जीत है वो सिर्फ टीम अभय की जीत है, और मैं चाहूंगा कि मेरे अभय के लिए एक जोरदार ताली, वो हमेशा हम सभी के दिलों में जिंदा रहेगा, वो कहीं नहीं गया है, हम सबके बीच है, हम सबके बीच ही रहेगा निभाने में, क्योंकि कल ही मुकाबला फाइनल रखा गया तो उसको पूरी कोशिश करेगी, क्या कहना चाहेंगे आयोजन के बारे में? सेंट्रल बैंक या मुजफ्फरपुर की कोई भी बैंक या कॉर्पोरेट टीम जो भी है पिछले कई वर्षों से ऐसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, हर साल आयोजन बहुत बढ़िया होता है, इस साल भी आयोजन बहुत बढ़िया है, और उम्मीद है कल का भी आयोजन बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से फाइनल में सेंट्रल बैंक की टीम और डीबी टीचर्स की टीम खेलेगी, आयोजन बहुत बढ़िया रहेगा, आप सबका बहुत बढ़िया सहयोग रहा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में, इसके लिए जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के थे उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, आगे भी उम्मीद है कि ऐसी टूर्नामेंट आप सब आयोजित करते रहेंगे, और मैं आश्वस्त करता हूँ सेंट्रल बैंक की तरफ से कि हमारी टीम, हमारे बैंक की टीम ऐसे हर टूर्नामेंट में भागीदार बनेगी और अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। धन्यवाद।